जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर में भारतीय संविधान के अंदर में जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है उसको पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। यह संविधान का भाग 3 है। तो देख रे बाबू, पहले ये समझ ले कि जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वह सिर्फ 6 प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि 6 शीर्ष के अंदर में, 6 टॉपिक के अंदर में रखा हुआ है। एक एक टॉपिक के अंदर में बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो संविधान में लिखा गया है आर्टिकल बना बना के, और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे अधिकार बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हमें मिला हुआ है। काहे कि इससे पहले जो है हम आपको पहले ही बता दिए थे आर्टिकल 1 से लेके 4 भाग 1, और दूसरा आर्टिकल 5 से लेके 11 जिनमें सिटीजनशिप है, नागरिकता वाला था, वो भी आपको हम बता दिए हैं, वो भाग 2 था, और भाग 3 में जिसमें 12 से 35 तक था तो 12 13 भी बता दिया, और 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार है जो समानता स्थापित करने के लिए वो लाया गया था उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार जो है उसको 6 टॉपिक में बांटा गया है, जिसमें ये है, देख लो सामने, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति, शिक्षा का, संपत्ति का अधिकार तो अब नहीं रहा, जब संविधान बना था ओवर में था ये, बाद में क्या किया इसको, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसको हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था कि किसी का पैतृक संपत्ति है तो वह उसको रख सकता है, तो इसी को हटा दिया गया। अभी आपको और बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार दो जगह था, एक जगह से तो यहां हटा दिया 1978 में, एक जगह और था स्वतंत्रता के अधिकार में, राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 19 के अंदर में, तो वो भी बताएंगे, वहाँ भी था संपत्ति को खरीदना और बेचने की स्वतंत्रता मिली हुई थी, फ्रीडम मिला हुआ था, जिसको संविधान संशोधन करके छीन लिया गया, और वह अब मौलिक अधिकार नहीं हो करके एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, कानूनी अधिकार बना हुआ है। अब आप पूछिएगा कि कानूनी अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार में क्या, देखिए भाई, मौलिक अधिकार जो होता है उसको सरकार नहीं छीन सकती है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है उसको सरकार आराम से छीन सकती है, कोई पब्लिक नहीं छीनेगा, लेकिन सरकार तो छीन ही ना सकता है। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पे। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसको भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में रखा गया है। राइट टू फ्रीडम इसको कहा जाता है, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता ही तो जीवन है, अगर स्वतंत्रता ही खत्म कर दिया जाए तो ऐसे ही उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा और उसका जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हमको स्वतंत्रता का अधिकार इतना महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है कि इसको रीढ़ कहा जाता है, संविधान का बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर रीट को निकाल लेंगे ना बाहर तो कैसे हो जाएंगे, लूज पुज गिर जाएंगे, कोई ढेर हो जाएंगे, लोथ हो जाएंगे, इसीलिए इसको रीट कहा जाता है। अब पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहते हैं, कौन से पार्ट को, तो प्रियम्बल को या उद्देशिका को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सोल। लेकिन अगर पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल किसको माना, तो वो मानते थे अनुच्छेद 32 को, उसको उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा है। अब देखिए कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 19, 20, 21, 21 ए और 22 में रखा गया है, ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए आर्टिकल 19 के ए 1 का क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ऐसे क्लॉज माना गया है, इसको कुछ लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी बोलते हैं, यानी 7 प्रकार का अधिकार स्वतंत्रता में था। किसमें था, आर्टिकल 19 एक में, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार दो जगह लिखा हुआ था संविधान में, कहाँ कहाँ लिखा हुआ था, एक था आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में या क्लॉज एफ में या फिर क्लॉज 4 उसको बोलते हैं, वहां पे था, तो उसको वहां से हटा दिया। और एक जगह कहां से हटा दिया, आर्टिकल 31 में जहां पे था संपत्ति का अधिकार उसको वहां से एबोलिश कर दिया गया। अब एबोलिश क्यों किया गया भैया, उसके पीछे भी कारण है क्या कि संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो सरकार वह छीन नहीं पाती थी, ले नहीं पाती थी। मान लेते हैं सरकार को हॉस्पिटल बनाना है, सरकार को रोड बनाना है, सरकार को ट्रेन का पटरी बिछाना है, तो
कैसे करेगी, लोग जो है इसका विरोध कर देते थे। अब मान लेते हैं उधर से हमको रोड लेके जाना है, है? अब सब दे दिया वहां से और बीच में आपका जमीन पड़ रहा था, आप कहेंगे हम नहीं देंगे भैया रोड बनाने के लिए, तुम जो है बगल में है दूसर का लेकर के जाओ। तो संपत्ति का अधिकार था, कोर्ट में पहुंच जाते थे लोग, सुप्रीम कोर्ट में सीधे पहुंच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में। अब सरकार देखा कि सर बड़ी परेशानी हो रहा है इसमें, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत उसको हटा करके कहाँ रख दिया, आर्टिकल 300A में रख दिया, उसको जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसको बना दिया गया है, वह फंडामेंटल राइट नहीं रहा, कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब है सरकार जब चाहे उसको छीन सकती है, आसानी से छीन सकती है, लेकिन ऐसे काम के लिए नहीं छीनेगी, वह कोई ना कोई पब्लिक वाला काम करेगी, हॉस्पिटल बनाना हो रोड बनाना उसके लिए छीनेगी और उसके लिए मुआवजा भी देगी, ये भी बात है, यानी विधि के प्रक्रिया के आधार पर ही छीनेगी, ऐसा नहीं है कि जब मन है तब जैसे तैसे छीन ले। लेकिन मौलिक अधिकार जब था तो सरकार छीन नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल होता है जब आपको मौलिक अधिकार मिल जाता है ना, तो सरकार को आपसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया। तो आप स्पष्ट समझ गए कि संपत्ति का अधिकार काहे हटा दिया। मान लेते हैं हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, हम जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं इसमें रहेगा, सरकार कहेगा कि भैया तुम यहाँ से हटो, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि बड़ी सुविधा है, अगल बगल का जमीन सरकारी पड़ा हुआ है, अब यहाँ भी बनाएंगे, उसका क्षेत्र विस्तार करना है, हटना पड़ेगा हमको, उचित मुआवजा हमको दे देगा, हमको हटना पड़ेगा। आर्टिकल 19(1) जो है वह कितना महत्वपूर्ण है, इसके अंदर बहुत सारे अधिकार है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक्सप्रेशन करने की, अपना आपको एक्सप्रेस करने, अपने विचार को कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से दूसरे को बताने के। अपना विचार क्या होता है, हमारा हम कोई बात बोलते हैं आप समझते हैं आप सुनते हैं, हमारी बात सरकार तक पहुंचती है, इसी को बोलते हैं अपना विचार देना। सरकार की आलोचना कर सकते हैं, है ना, सरकार की आलोचना करने का मतलब देश से के खिलाफ जाना नहीं हुआ, सरकार और देश अलग अलग चीज होता है ना, देश के लिए अगर आप उसको करेंगे तब तो फिर उस पर रोक लग जाएगा, रीजनेबल जिसको बोलते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, लेकिन सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं या देश की आलोचना। आजकल बना दिया गया है इस तरह का एक माहौल कि सरकार का विरोध का मतलब है देश का विरोध, ये बहुत ही गलत मैसेज है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। अब देखिए हम अपने विचारों को कैसे कैसे दे सकते हैं, बोल के दे सकते हैं, हम लिख के किसी को बता सकते हैं, आर्टिकल लिखेंगे, है ना, या कहीं पे आप सभा में बोल सकते हैं, आप एक आदमी को भी बोल सकते हैं, आप कहीं भी अपने विचारों को रख सकते हैं, कार्टून बना के रख सकते हैं, है ना, चित्र बना के रख सकते हैं, हम चित्र बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करके आप अपने विचारों को अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए आप एक चीज़ इसमें समझिए कि ये जो अधिकार मिला हुआ है ना, स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19(1), यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है, आपको हम पहले ही बताए थे आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिकों पे लागू होता है, विदेशियों को ये सब नहीं मिला हुआ है, विदेशी अनाप शनाप ये संघ बनाने सम्मेलन करने और विचार अभिव्यक्त करने का उसको अधिकार नहीं है, ये सिर्फ नागरिक को मिला हुआ है, नागरिक होने के नाते कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ना जी। साथ ही साथ यह आत्यंतिक नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है, अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ऐसा अधिकार नहीं है कि एक बार दे दिया तो एकदम दे ही दिया, उस पर कोई रोके नहीं लगेगा, रोक लगेगा, अगर आप उसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो रोक लगेगा, तब राज्य वह अधिकार आपको छीन सकती है, उसके लिए भी ग्राउंड बना हुआ है कि 8 आधार है जिसके आधार पर छीन सकती है, और उसका चर्चा भी इसी में कर दिया गया है आर्टिकल 19(1) में, ये चीज है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में, और आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शन लगाने की चर्चा कर दिया है कि 8 आधार होगा जिसके आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे हम, अगर देश के खिलाफ एकता अखंडता के खिलाफ कुछ हुआ, सुरक्षा नैतिकता मानहानि अपराध या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर अपराध को बढ़ा रहे हैं, विदेशी संबंध खराब हुआ, तो इसके आधार पर रोक भी लगता है। अब देखिए इसमें क्या है, अपना विचार तो दे ही रहे हैं आप जिस तरीके से दीजिए, साथ ही साथ विचार व्यक्त करने का एक माध्यम फिल्म भी होता है, फिल्म के माध्यम से भी आप अपने विचार को दे सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि फिल्मों बना करके लोग अपने विचार को देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि फिल्म जो है वह जो है समाज का आईना होता है, फिल्म से लोग प्रभावित होते हैं, लोगों से फिल्म प्रभावित होता है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में होती है, लेकिन बहुत ऐसी फिल्में होती है जैसे खास करके भोजपुरी वाले लोग ऐसे ऐसे बाह्यात फिल्में बनाते हैं यहाँ की संस्कृति को खराब करने के लिए, कि उसको मतलब क्या कहे उसको, उसका कहेगा कि हमारा भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, द्विअर्थी ना गाना बनाएगा, और आप परिवार के साथ देख नहीं सकते हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पर रोक लगना चाहिए, चंद पैसे के लिए ये सब जो है ये सारा संस्कृति को खराब कर देता है, इस पर रोक लगना चाहिए, मोटा मोटा हीरोइन सबको रखेगा एकदम, अजीब अजीब तरह का कपड़ा पहना देगा, अजीब तरीके से डांस करवाएगा, अरे यार अजीब है, उस पर तो रोक लगना चाहिए भाई।
साथ ही साथ देखिए मीडिया वाला, मीडिया को भी स्वतंत्रता है सरकार की आलोचना करने का। मीडिया का मेन काम होता है कि सरकार की आलोचना करना, और सरकार अगर कोई नीति उति बना रखे है तो जनता तक उसको जो है से इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको पहुंचाना का भी काम रहता है। मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र जो है बहुत अच्छा तंत्र है, इससे बढ़िया तंत्र कोई नहीं आया आज तक। तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा माना जाता है, पिल्लर है ये चौथा। लेकिन मीडिया वाला देखिए, स्वतंत्रता तो है आलोचना करने का, स्वतंत्रता तो है बहुत सारी सवाल पूछने का सरकार से, लेकिन कर क्या रहा है आजकल के मीडिया देखिए भारत में, अजीब तरीके है। TRP बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है ससुरा, अंधविश्वास फैला रहा है, आपको चौपट कर रहा है, आपकी नागरिक अधिकार को एक तरह से वो चौपट कर रहा है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को खराब कर रहा है। देखिए एक दाढ़ी वाला को ले गया, एक चंदन टिक्का वाला के ले आएगा, दोनों को ससुरा को दोनों को बैठाएगा, दोनों बेरोजगार रहता है, दोनों को लड़वाएगा, डिबेट करवाएगा, कहता है हम डिबेट कर रहे हैं, है ना, विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। कैसा विचार अभिव्यक्त है? एक वो है जो जोर जोर से बोलेगा, इतना जोर से बोलेगा कि लगता ही नहीं कि वो पत्रकार है, लगता है कि गुंडा है छोटा मोटा। वो उस ससुरा इतना ड्रग दो करने लगता है, मतलब अजीब स्थिति है। अब कोई देखते हैं कोई पत्रकार रात में 9 बजेगा तो पहुंच जाएगा गुफा में, कहां का शिवलिंग ढूंढ रहा है। अरे ससुरा तुमको करना क्या था, कर क्या रहे हो? इसीलिए रैंकिंग खराब है, भारत के मीडिया का रैंकिंग महा खराब है। उसको जो है यहां पे 90% पत्रकार जो है वो बिका हुआ है और फालतू का न्यूज देता है। ज्यादा आप न्यूज देखिएगा तो आपको कुंद कर देगा, आपकी विचार शक्ति आपकी तर्कशीलता को भी खत्म कर डालेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के पत्रकार के विचारों को अपना विचार मत बनाइएगा, अपना स्वतंत्र विचार रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज़ है। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी आपका नागरिकता, तभी आपका मौलिक अधिकार है, ये संविधान ये सब। अब देखिए आपको इंटरनेट पाने का अधिकार है, ये नया नया जोड़ा गया है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि इंटरनेट पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं है, किसमें है? आर्टिकल 19 के अंतर विचार और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके अंदर में इसको रखा गया है। अगर इंटरनेट आपसे छीन ले 4-5 दिन तो देखते हैं कैसा हो जाता, लगता है कि जिंदगी में पूरा रंगे खत्म हो गया, रंग में भौंक हो गया, खत्म होता है तुरंत, आप नेट पे एक डलवा लेते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, अपना विचार जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, यूट्यूब पे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, अपना विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमको भी अगर लगेगा, हम भी बहुत सारे कश्मीर फाइल्स को लेकर के यूक्रेन रशिया वाला पे अपना विचार दिए हुए हैं वीडियो में, तो हम अपना विचार दे सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ऐसा भी विचार ना दे कि देश के संबंधे खराब हो जाए, ऐसा ना कि रूस और यूक्रेन का ऐसा विश्लेषण कर दीजिए कि पता लगे कि देश का एकता अखंडता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। विचार अभिव्यक्त करने का मतलब ये नहीं किसी को गाली दे देते हैं, किसी को विचार अभिव्यक्त करने का किसी को गलिया ही रहे, तो ऐसा अधिकार नहीं है, उस पर भी रोक लग सकता है। साथ ही साथ देखिए चुप रहने का अधिकार है, हमको बोलने का अगर अधिकार है तो चुपो रहने का अधिकार है। अब जबरदस्ती कोनो आकर के मुंह में नहीं कहेगा कि तुम बोलो, मीडिया वाला को देखते हैं जबरदस्ती माइक ठूस देगा आपके मुंह में, कहेगा बोलो, तो वहां चुप रहने का भी अधिकार है, आपको मौलिक अधिकार है। RTI देखिए, RTI बड़ा महत्वपूर्ण, ये 2005 में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इतना महत्वपूर्ण है कि सरकार बहुत कुछ छुपा के रखती थी, इससे करप्शन बढ़ जाता था, ट्रांसपेरेंसी रहता नहीं था, तो इससे करप्शन बढ़ जाता था, फाइल को दबेले रहता था। जैसे ही उसे पूछते थे कि भैया ये काम आगे का ही नहीं बढ़ा, तो तोंद निकाले हुए, पान खाए हुए, हाँ अब जो है ना आपका जो है बिना इसका काम नहीं चलेगा, अब दीजिए उसको, तब जाकर के काम। अब ये RTI के तहत आप पूछ सकते हैं, बहुत ऐसा चीज़ है जो सरकार से आप जान सकते हैं। तो ये है, इसका ये हथियार है बहुत बड़ा, इसको जरूर इस्तेमाल करिए अगर आपको कभी भी करना हो तब। अब झंडा फहराने का अधिकार है, झंडा फहराने का पहले तो उतना वो नहीं था, लेकिन बाद में इसको कर दिया गया कि मौलिक अधिकार है, लोग अपने देश के प्रति वफादारी दिखाते हैं इसलिए वो झंडा फहराएंगे, तो आप कभी भी झंडा फहरा सकते हैं अपने घर के ऊपर। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है आपको, अगर मान लेते हैं कि सरकार से आप खुश नहीं है किसी नीति को लेकर के, तो या फिर अपने पक्ष में कोई चीज़ कहवाना चाहते हैं तो विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, तख्ती लेकर के आप जो है वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं सभा में आप उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन भैया ये नहीं करिएगा कि जो है से हड़ताले करवा दीजिए, और ना तो बड़का बड़का माइक लगा के हल्ला करने लगे, तो हल्ला करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे है कि हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं है, नहीं है कि भैया हमको कुछ विचार मंगवाना है हड़ताले कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, रोडें जाम कर देंगे, तो पता लगता है दूसरे आदमी का अधिकार हनन हो रहा है। कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसको जाना है, आप रोडें उठे जाम कर दीजिए, पता लगेगा कि उसी में डिलीवरी हो गया, उसी में हो सकता है डेथ भी हो जाए, ये तो दिक्कत है। हड़ताल करने का अधिकार आपको मौलिक अधिकार में नहीं आए, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बंद का विरोध, जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा विरोध किए, कोई राजनीतिक पार्टी सबको देखते हैं अधिकांश तो हड़ताल करते रहता है, वो कोई कोई मुद्दा को लेकर के हड़ताल करेगा, और क्या करेगा उसका जो कार्यकर्ता होता है ससुरा सब क्या करता है कि दुकान को बंद कर देगा, या नहीं तो उसके साथ हिंसा कर देगा,
है ना, आगजनी कर देगा इधर उधर, तो वैसा अधिकार वैसा अगर कर रहा है तो आपको उसका विरोध करने का अधिकार है। हम नहीं होंगे शामिल, तुम हड़ताल कर रहे हो तुम ही शामिल हो, हम नहीं होंगे तुम्हारे हड़ताल में शामिल। तो ये भी आपको अधिकार मिला हुआ है, आपको कोई मजबूर नहीं करेगा। अगर जबरदस्ती कोई करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए और कहिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है, उसको सजा मिलेगा। पुतला फूकने का अधिकार है, नेता उतार का विरोध करना है तो पुतला फूक सकते हैं। पुतला फूक रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी नेतवे को फूक रहे हैं। अब ये चीज़ है, अब इसको आप समझ गए। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन किस किस चीज़ में लगेगा। एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करना है देश का, ऐसा ना हो कि कहने लगे कि असम को अलग कर दीजिए और कश्मीर को अलग कर दीजिए। कश्मीर माने जो है से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी में लोग कर दिया। अब पता नहीं सही बोला कि नहीं बोला, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा बोला। तो इस तरह से ये जो कांड है, यह वाक और अभिव्यक्ति का एक तरह से बेजा इस्तेमाल हुआ, इस पर रोक लग जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए लोक व्यवस्था, अगर कोई ऐसा मान लेते हैं, अगर सरकार को कहते हैं हम फलना जगह सभा करेंगे लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं है, हिंसा हो सकता है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, तो इसके लिए आपको वहाँ पे सभा करने से रोका जा सकता है लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, नहीं, वहाँ लोक व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा कर सकती है सरकार, उसके लिए वो कारण बताती है। नैतिकता, नैतिकता स्थापित करने के लिए आपको ये अधिकार को छीना जा सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि समाज में जो वाहियात चीज़ों को फैला दीजिए, देखते हैं ना कि फिल्मों सब में और इस तरह से कंटेंट में, यहाँ तो फेसबुक की सब में जो है अजीब तरीके से अनैतिक चीज़ों को और किसी महिला के खिलाफ चीज़ों को डाल दिया है ना, ऐसा ऐसा पिक्चर है कट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। तो इस तरह से चीज़ों को नहीं डालना है, ये नैतिकता के खिलाफ है ना। ड्रग को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ये सब गलत चीज़ है। दारू उरू को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, अनैतिक अनैतिकता हो जाएगा। ये सब करेंगे या कहेंगे कि हमको विचार अभिव्यक्ति है, पुलिस तुरंत पकड़ लेगा, सारा विचार अभिव्यक्ति आपको निकाल देगा। और आपका ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप कोर्ट की के कोई आदेश का अवहेलना करते हैं तो वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, या फिर आलोचना करते हैं लेकिन पॉजिटिव आलोचना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, झूठा आलोचना मत करिए। एक घटना हुआ था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि बोबड़े साहब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो प्रशांत भूषण नाम के एक वकील है बहुत नामी गिरामी, उन्होंने उसकी आलोचना कर दी थी। वो उस वक्त कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना में जो है से कि सब जगह जो है वो लगा हुआ था, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, और वो साहब जो है एक बीजेपी के नेता का मोटरसाइकिल लेके 50 लाख का उस पर बैठे हुए थे, और सारा जो है ना 6 मीटर का जो डिस्टेंस रखना है उस सबको वो नहीं मान रहे थे। मतलब वो उसका जो है एक तरह से उसको क्या बोलते हैं कि 6 फीट का दूरी नहीं बनाए हुए थे, तो जिसके कारण प्रशांत भूषण उनकी आलोचना कर दिए कि देखिए जनता मर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 50 लाख के गाड़ी पर जो है बिना हेलमेट के और जो है उसको गाड़ी चला रहे हैं। तो कोर्ट को लगा कि हमारा जो है अवहेलना हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 5 जज मिलकर उनको सजा दे रहा था कि भैया जो है ना आप माफ़ी मांगिए, आप गलत बोले। वो बोले हम नहीं माफ़ी मांगेंगे, हमको तो आज़ादी है वाक और अभिव्यक्ति की, हमने तो पॉजिटिव वे में ना उसका आलोचना किया है, ऐसा तो नहीं, बताओ तो हम क्या झूठ बोले हैं, सच बोले हैं कि नहीं बोले हैं, पूरा जनता पूरे देश में फैल गया कि नहीं, ये तो सच्चे बात बोले हैं। अब कोर्ट को बड़ा शर्म आया, कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तब कहा कि ए प्रशांत भूषण जी आप 1 रुपया का जुर्माना दे दीजिए, 1 रुपया का जुर्माना दे दीजिए, कम से कम हमारो इज्जत बचल रहेगा आपका भी रहेगा। अब प्रशांत भूषण जी 1 रुपया का जुर्माना दे करके उनको इससे बरी कर दिया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखिए भैया सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देता है वो नज़ीर बन जाता है। अगर इसी तरह का आप भी कोई आलोचना करिए पॉजिटिव वे में, और सही आलोचना अगर होगा और कोर्ट अगर आपको पकड़ेगा तो वहां भी आप जो है जा करके आप कहिएगा कि हमको भी 1 रुपया का जुर्माना लगा दीजिए, लगाएवे करेगा 1 रुपया का जुर्माना, और उससे आप बच जाइएगा। अब देखिए मानहानि नहीं कर सकते किसी का, वाक ये अभिव्यक्ति का आज़ादी है, तो ये नहीं है कि आप किसी के बारे में झूठा अफवाह फैला दीजिए, किसी को गलियानिए लगिए, तो ये नहीं कर सकते हैं। अपराध उद्दीपन नहीं कर सकते हैं, 5-7 आदमी बैठ करके एक जगह मीटिंग नहीं कर सकते हैं कि भैया आज जो है आज फलना के घर में चोरी हो करना है या फलना जगह ये कर देना है, तो ये सब नहीं, ये अपराध का उद्दीपन हो गया एक तरह से, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आप ये नहीं कर सकते, ये हमारा मौलिक अधिकार है। विदेशी संबंध खराब ना हो जाए इसका भी ध्यान में रखना पड़ता है, ये नहीं कि मान लेते हैं अभी जो है से कि यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है युद्ध, और रूस वाला मान लेते हैं समर्थन लेने के लिए पुतिन साहब भारत में आएंगे तो आपको रूस का समर्थन करना है, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि अरे पुतिन मा रास्ते में खड़ा होकर पुतिन को देख के अरे पुतिन मा, इससे संबंध खराब हो सकता है। संबंध खराब होगा तो आपका ये वाक और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वह आज़ादी नहीं रह जाएगी, वो छीन सकता है सरकार, आप पे चार्ज लगा देगा। तो फिर विदेशी संबंध खराब नहीं हो इसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो आप मुझे लगता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब आप
आर्टिकल 19 के ए क्लॉज को समझा, अब आप आर्टिकल 19 एक के बी क्लॉज को समझिए। देखिए शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का आपको अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई ऐसा कोई विचार आपको लगता है कि यह विचार जो है हमको फैलाना चाहिए लोगों के बीच में, तो लोगों को आप पहले बताएंगे, पहले तो आप अभिव्यक्त करेंगे ना चीज़ों को। मान लेते हैं कोई एक नया कोई देवता आपके दिमाग में आ गया हो, है ना, ऐसे भी होता है। देवता कहाँ पैदा होते हैं, इस खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के अंदर में। मान लेते हैं कोई ऐसा देवता हो आप जिसको श्री श्री 420 मान लेते हैं, एक श्री श्री 420 नाम का कोई देवता आपके खोपड़ी के अंदर ब्रेन में आ गया। अब क्या करेंगे आप, दिन होते ही आप सब जगह जाकर के उसको कहेंगे, आपको विचार व्यक्त करने का अधिकार है। आप सबको कहेंगे कि देखो ऐसा ऐसा देवता है और इसको पूजने से, इसको मानने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपका सारी मनोकामना पूरा हो जाएगा। आप 10, 20, 50 लोगों को कहते हैं, कुछ लोग उससे प्रभावित हो जाएगा। सबको कहिए आओ एक जगह इकट्ठा हो, सबको बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो सब सम्मेलन कर लीजिए, असेंबल हो जाइए और उसके बाद उसमें सब लोगों को समझाइए। तो कुछ ना कुछ लोग तो आपको उससे प्रभावित हो ही जाएंगे, तो उनको संघ बना दीजिए, सबको एक अलग अलग काम दे दीजिए। कहिए कि तुम मैनेजर बन जाओ और तुम जो हो जो दान उन मिलेगा उसका तुम देखना, किसी को क्लर्क बना दीजिए, किसी को मैनेजर बना दीजिए, अलग अलग काम मार दीजिए, संघ बना लीजिए। तो संघ बनाने का भी अधिकार है, संघ तरह तरह का बनाया जा सकता है, लेकिन संघ बनाने का अधिकार ऐसा नहीं है कि एकदम आपका मौलिक अधिकार है। सरकार चाहे तो इसके आधार पर बैनों कर सकती है, तो संघ बना लीजिए। अब संघ बनाकर खाली संघ बनाने से काम नहीं ना चलेगा जी, उसके लिए आपको पूरे देश में घूमना भी है। तो पूरे देश में आप निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर में आप घूम भी नहीं सकते थे, उसका झंडा अलग था, नागरिकता अलग था, उसका जो है वहाँ पे ज़मीन आप नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब तो 370 हट गया, तो वहाँ आप ज़मीनों खरीद सकते हैं, वहाँ बस भी सकते हैं, वहाँ आप घूम भी सकते हैं। तो फ्रीली मूवमेंट करने का है। अब संघ जो है आपको श्री श्री 420 जो देवता के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो आप पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करिए। लेकिन खाली प्रचार करने से तो काम चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं ऑफिस भी बनाना होगा। तो क्या करिए कि कहीं पे आप रुक करके ऑफिस बनाइए, सेटल हो जाइए कहीं पे। अब खाली ऑफिस बनाने से भी तो काम चलेगा नहीं, अब आपको कोई ना कोई कारोबारों करना होगा तभी तो चलेगा। मान लेते हैं अगरबत्ती बनाने का कारोबार शुरू कर दीजिए, या फिर इसी तरह से कुछ भी करने का कोई ऐसा कारोबार करिए जिससे आपको पैसा आने लगे, तो वैसे काम को आप कर सकते हैं। तो इससे आपको आमदनी होगा और आपका जो है श्री श्री 420 वाले जो देवता है वो उनका भी प्रचार प्रसार होगा। तो ये आप कर सकते हैं, जो है हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। आपको असेंबल होने का, एसोसिएशन करने का, फ्रीली मूव करने का पूरे देश में, और कहीं भी सेटल होने का, और प्रोफेशन चुनने का अधिकार है। लेकिन ऐसा प्रोफेशन मत चुन लीजिएगा जो दूसरे को स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला हो, है ना। आप गोला बारूद बनाने का अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, सरकार ही वो उस पर एक अधिकार रखती है। आप वैसा प्रोफेशन चुनिए जो पब्लिक का जो है वो व्यवस्था को भी बना के रखे और किसी के स्वास्थ्य को भी खराब न करे। तो इसको आप समझ गए हैं।